हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो अभी यहाँ पे चलो ना, फिर चल रहे हैं, आओ बाहर तो खड़ा हो जाऊँ। तो अभी हमें ऋषिकेश में दिखाता हूँ बाहर का नजारा। रात में ही रुक गए थे, रूम वगैरह लिया था कि बाहर का नजारा पहले देख कर, ये मंदिर के दर्शन। ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, देख सकते हैं पहाड़ आप, सुबह का नजारा। फिलहाल तो मैं लेट उठा इसलिए थोड़ी धुंध सी दिख रही है। हम कहाँ जाएंगे, खस्ता कचौड़ी खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दाल की कचौड़ी वही होगी, चलते नीचे। संजीव भाई ऐसी ले लूँ ब्लॉग में, ऐसी ले लूँ भाई? अभी बच चुके हैं कितने, 9 बज चुके हैं। और ये सब लोग अभी, ये तो अभी ऐसे बैठे हैं, ये दो ऐसे बैठे, इनको जाने का प्लान नहीं। फिलहाल हम चार और नहा के तैयार हैं, रेडी है एकदम। और एक और दिखाता हूँ, एक अभी सो ही रहा भाई, उठ जाओ। 9:30 हो गए। मजा आ गया भाई, पूरी रात रात मजा आई नहीं। चलते हैं मार्केट कुछ खा पी। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट में कुछ खाने, जरा चाय नाश्ता कर लें। फिलहाल तो आधी टीम ही रेडी हुई है, अभी हम चार बंदे रेडी हुए हैं, हम इतने चलते नीचे। फिलहाल हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है, हमारी बाइकों का कोई झंडा निकाल के ले गया, सारी बाइकों का किसी में दमे तो भाई, किसी में दमो तो सामने निकाल के लेके जाए, पीछे के निकाल के लेके जा रहा है। सामने निकाले तो पता भी चले कि किन्ने निकाला। लोग ही आ गई है अपनी चाय, देख सकते हैं फैन के साथ रेडी हो चुके हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं नीलकंठ निकलने के लिए। फिलहाल सब लोग उठ के रेडी हो चुके हैं। सबसे लेट में मेरा भाई सौरभ उठा है, अभी आके उठाया है। कहीं जाते सबसे लेट उठने वाले बड़ा भैया है, रात को देर से सोते हैं भाई, सबसे लेट उठने चाहिए। 4-4 बजे गड्डी खेल के सो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घाट पर, यहाँ से हम जल भरेंगे थोड़ा सा नीलकंठ के लिए। रात में तो मैं दिखा नहीं पाया था आपको कि ये देखेंगे गंगा कितनी फोन पर चली, और देखिए राम झूला। और हमारे सौरभ भाई जल लेने जा रहे हैं, चलते हैं साथ में नीचे। ये है राम झूला, और वो दिख रहा होगा आपको लक्ष्मण झूला, पता नहीं दिख रहा नहीं, जूम करके दिखाता हूँ। ये है आपको लक्ष्मण झूला, और ये हमारे सौरभ भाई जल लेके आ गए हैं। यहाँ से हम जल लेके सीधे नीलकंठ निकलते हैं और नीलकंठ पहुँचेंगे। राम झूला क्रॉस कर रहे हैं नीलकंठ जाने के लिए, साइड करना जा रहा है और पीछे आ रहा है अपने सौरभ भाई। यही नजारे भाई इसे घूमने का, बस भाई तो फाइनली हम लोग नीलकंठ में पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, यहाँ का पहले भोले बाबा के दर्शन यही करेंगे,
इनको ही भेजेंगे सबसे आगे। आप सभी का मौका लगे तो आप सब भी आए एक बार नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, फोड़ी गलवार में पड़ता है। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, आगे का सामने का, वही सामने का नज़ारा एकदम बेहतरीन मौसम हो रखा है। ये जिप्सी मत दिखा, जिप्सी आती है भाई, शेयरिंग जिप्सी मिल जाएगी तुम्हें यहाँ से ऋषिकेश से। कहाँ पे जाने के लिए? घर छोड़ जाएगी तुम्हें, काशीपुर तक के लिए कर लेना, भेज देंगे वैसे। थोड़ा सा मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको आगे चल के। जी बिल्कुल हाँ, अभी लोग मंदिर में पहुँच गए, मंदिर में एंट्री हो चुकी है, लाइन में लगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। कितनी भीड़ लगी हुई है, लाइन चल रही है भक्तों की। फाइनली हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं दर्शन करने, आप लोगों को बाहर से करा रहा हूँ क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउड ना था। वो देखो सबसे प्यारा लग रहा है, आई लव महादेव, जय नीलकंठ महाराज। हम लोग सभी लोग भी दर्शन करके आ चुके हैं, एकदम बढ़िया से दर्शन हुए आपकी बार, भीड़ कम थी तो इसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर कितना जल आ रखा है। अभी बीच में आपने फेसबुक यूट्यूब पर वीडियो भी देखी कितना यहाँ पर उफान पर चल रहा था, अभी फिलहाल लिमिट में चल रहा है, सब स्नान वगैरह कर रहे हैं। फाइनली दर्शन करके हम मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर परिसर में राधा नाम का कीर्तन हो रहा था, कितना मन लग रहा था, और भाई राधा हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी, और एक गौ माता खड़ी थी, अभी लोग देखो गौ माता तक हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी कीर्तन में। दो पापा खड़े थे, कुछ कीर्तन हो रहा था, कुछ नहीं बढ़िया हो रहा था, बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था। आप भी ब्लॉग में देखना, कीर्तन है साथ में ब्लॉग में, हरे कृष्ण आपका भी मन लगेगा, और आपका कृष्ण कृष्ण। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग नीलकंठ आकर महादेव जी के दर्शन जरूर कीजिए। इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। ओके टाटा बाय।